रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके और घरेलू उपाय। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें कई बीमारियों से सुरक्षित रखती है। कई बीमारियां होती है जिनसे हमारा शरीर खुद ही निपट लेता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने पर शरीर में बीमारियों का असर जल्दी होता है। ऐसे में शरीर कमजोर हो जाता है और जिससे हम थोड़े थोड़े टाइम में बीमार होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हमें कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कई तरह के बैक्टीरियल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इम्यून पावर के कमजोर होने पर बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने के कई कारण होते हैं। कई बार खराब खानपान की वजह से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है। नशा भी इम्यूनिटी पावर को कम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपाय कारगर होते हैं। अदरक। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ शरीर को भी गर्म रखता है। अदरक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और आयोडीन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ शरीर को रोगों से लड़ने में भी सहायता मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का आयुर्वेदिक उपाय। रिवाइवल कैप्सूल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का आयुर्वेदिक उपाय है। इसमें जड़ी बूटियों की विस्तृत श्रृंखला होती है, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मुसली, हरिताकी, शिलाजी, केसर, सौंठ, कुसुम्बा, जावित्री, हीराबोल आदि, जो ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती है। यह जड़ी बूटियां शरीर में कमियों को दूर करती है, सहन शक्ति और जीवन शक्ति प्राप्त करने में मदद करती है। यह जड़ी बूटियां ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करती है, मल त्याग को नियंत्रित करती है, पाचन में सुधार करती है और शरीर में शक्ति प्रदान करने के लिए पोषण के परिवहन को बढ़ाती है। यह आयुर्वेदिक उपाय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करके ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं और तेजी से अंगों का पोषण बनाए रखते हैं। हल्दी। हल्दी का उपयोग खाना बनाने में ही नहीं बल्कि और भी कई चीजों में किया जाता है। नियमित हल्दी का सेवन करने से याददाश्त अच्छी होने के साथ मूड को भी अच्छे बनाए रखने में फायदेमंद होती है। हल्दी का सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ने के साथ वजन भी कम होता है। पालक। पालक में भरपूर मात्रा में विटामिन सी और ए पाया जाता है। पालक के नियमित सेवन करने से इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सकता है। पालक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो बीमारियों से बचाते हैं। पालक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। नींबू। नींबू विटामिन सी से भरपूर होने के कारण कई तरह के संक्रमण से बचाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में बहुत फायदेमंद होता है। नींबू में कई तरह के मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक पाए जाते हैं। नींबू इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करता है। रोजाना नींबू का सेवन करना फायदेमंद होता है। शकरकंद। शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है। इसके अलावा भी इसमें फाइबर उच्च मात्रा में पाया जाता है। शकरकंद में मौजूद पोटेशियम, विटामिन B6 और बीटा कैरोटीन आदि के कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार होता है। बादाम। बादाम के सेवन से न केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि इससे दिमाग को तनाव से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। बादाम में मौजूद विटामिन ई शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ाने में मदद करती है, जो विषाणुओं और कैंसर युक्त कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायक होती है। बादाम शरीर में बी टाइप की कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने का भी काम करती है। यह कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। बादाम शरीर में मौजूद खराब बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होती है। संतरा। संतरा में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो हर तरह के संक्रमण से लगने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में सहायक होता है।
संतरा के सेवन से बनने वाली एंटीबॉडीज कोशिकाओं की सतह पर एक आवरण बना देती है जो शरीर के पास बीमारियों को आने से रोकती है। संतरा में उपस्थित विटामिन सी शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित में रखती है। संतरा हृदय की धमनियों में वसा जमने की प्रक्रिया को धीमी कर देता है। संतरा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करता है। मशरूम शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए मशरूम का सेवन करना फायदेमंद होता है। मशरूम श्वेत रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करने में सहायक होता है। मशरूम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाले तत्व जैसे एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी ट्यूमर तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नियमित मशरूम का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहता है। ब्रोकली ब्रोकली में विटामिन ए और सी के अलावा ग्लूटाथियोन नामक एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाया जाता है। ब्रोकली इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। नियमित भोजन में ब्रोकली का सेवन करना चाहिए। रिवाइवल कैप्सूल्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का आयुर्वेदिक उपाय। सौ प्रतिशत प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित। 1,00,000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक। GMP प्रमाणित गुणवत्ता। संपूर्ण भारत में उपलब्ध। रिवाइवल कैप्सूल्स की अधिक जानकारी के लिए आप आयुष रेमेडीज.in पर जाएं। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें और वीडियो को सोशल साइट्स पर शेयर करें। क्या आप भी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं? यदि हाँ तो निशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श हेतु अथवा अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकन को प्रेस करें।